राधे राधे दोस्तों, सुबह का 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, करीब 8:35। अभी ना मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं, तो पहले आपको राधे राधे बोल देती हूँ। तो राधे राधे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। अभी मैं बैठी हुई चाय नाश्ता कर रही थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और मैंने सोचा चलिए आपके कुछ कमेंट पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़े से रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है ना। बाकी के तो मैं रात में करती हूँ। तो जो एक मेरी सब्सक्राइबर है जो कि USA से है, हाँ प्रीति जी ना, तो मतलब वो बहुत प्यारे प्यारे, मतलब सोच उनकी बड़ी अच्छी है, अच्छा लगता है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी सोच ना मुझसे मिलती है, मतलब मेरी भी सोच यही है। तो उनका ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप कान्हा जी की यानी लड्डू गोपाल जी का भोग निकालते हैं, भगवान जी का भोग निकालते हैं, तो आप पहल की रोटी गाय की क्यों नहीं निकालते हैं। अभी ना आपको मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कैसे निकालूँ मैं गाय की रोटी, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये हमारा घर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ना जो हमारे ताऊ जी है, ये उनका प्लॉट पड़ा हुआ है जो कि खाली है, और इस प्लॉट में दो पेड़ खड़े हुए हैं, एक नीम का है एक टुन का है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे गाय और जो बैल होते हैं जो कि आवारा छोड़े हुए हैं, ये हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इनको घास की एक खूंटे की और थोड़ी सी ना छावे की ज़रूरत है, जिससे कि ये सर्दी गर्मी से बच सके और अपनी थोड़ी बहुत देखभाल कर सके। लेकिन मजबूरी नहीं है मेरी, ये हमारी कमजोरी भी नहीं बोल सकते इसको, ये हमारा स्वार्थ है। वास्तव में मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये मेरा स्वार्थ है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे 5-6 बैठे हुए हैं, जब मैं सुबह सुबह दूध लेने के लिए गई थी ना 7:45 बजे, 8 बैठे हुए थे यहाँ पे जो कि आवारा छोड़े हुए लोगों ने, जंगल में घूमते रहते हैं इधर उधर। यहाँ तक कि ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ जो बैठ चुका है, इसके पेट में ना भाला घुसाया हुआ है इतना सारा, मतलब बहुत मोटा, इसका जो मांस का जो टुकड़ा सा है ना वो बाहर को निकला हुआ है। अब देखिए इसको कितना दर्द हो रहा होगा। इसे रोटी की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है, इन्हें थोड़ी सी सुरक्षा की ज़रूरत है, इन्हें घास की ज़रूरत है, इन्हें हमारी ज़रूरत है। इन्हें देख के मेरा मन बहुत दुखी होता है, इसलिए मैं इनकी रोटी नहीं निकालती हूँ। यहाँ तक ही बताऊँ, इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है। यहाँ पे आप एक गाय देख रहे हैं जो व्हाइट कलर में खड़ी हुई है, मैं इसको आवाज़ लगाऊंगी सुनिएगा, भूरी कह के इन्हें बच्चे देने वाली है। गाय भैंसे गांव में लोग जानते हो, शायद शहर में ना जानते हो, जब गाय भैंसे एक बच्चा दे देती है ना नया, तो वो फिर दूध देने लगती है, तो ये भी दूध देने वाली है। हो सकता है ये आज ब्याना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब आज बच्चा दे दे कल दे दे, 10-15 दिन लग जाए मुझे सही से पता नहीं, लेकिन आज का टाइम हो रहा है। ये भी आवारा घूम रही है, और पता है क्यों घूम रही है, क्योंकि जो उसके थन है ना वो खराब है, बोला जा रहा है कि दूध ज़्यादा नहीं दे सकती है, तो केवल एक दूध कम देने की वजह से या दूध ना देने की वजह से इसको आवारा छोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, मैं इनको रोज़ रोटी दे सकती हूँ ऐसी बात नहीं है, पर मैं किस तरीके से रोटी दे दूँ, क्या समझूँ अपने आप को, रोटी में थोड़ी ना छक जाएगी, उसे घास की ज़रूरत है जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। बस मैं ना आपसे इतनी बात बोलना चाहती हूँ,